राजू मैंने स्टे कर लिया क्योंकि यहाँ पे बारिश रुक नहीं रही है और जब तक मौसम नहीं खुलेगा जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा आगे मेरे को बारिश मिल गई तो मैं फिर मेरे जूते वगैरह तो भीगे हुए हैं, बैग भीगा हुआ है, मतलब कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सब गीले ही पड़े हुए हैं। बाकी ये जगह अच्छी लग रही है, ओल्ड मनाली में ऊपर चढ़ के काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे और फॉरेनर्स हैं यहाँ पे बेसिकली, यहाँ हॉस्टल भी है, सब कुछ है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको कैफ़ेज़। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभी सनशाइन कैफे में, द लेडी बिहाइंड मी ये दो लोग ये कैफे चलाते हैं और काफ़ी अच्छा कैफे है, फूड भी बेस्ट था यहाँ का और मैं काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है ये। अभी मेरे साथ है रोहित भाई, मैं इनकी प्लेस पे जा रहा हूँ, इनका कोई कैंप है रिवर बेड पे, वो देखने मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा कैंप है। चलो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभी श्रीलंका में, ओल्ड मनाली के पास एक जगह है, ये श्रीलंका विलेज कहते हैं इसको, और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ एक छोटे से होटल में। ये है रोहित भैया, ये इस जगह को ओन करते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी पीसफुल जगह है। मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगा, आप लोग कभी भी विज़िट करिए। और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, पास में नदी भी है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ का भी मज़ा आ जाता है। देखिए अब कैमरे में तो हर चीज़ नहीं दिखा सकता ना मैं, बट इट्स फॉर हडिम्बा टेम्पल काफ़ी शांत और पेड़ों से घिरी हुई जगह। मज़ा आ रहा है, मज़ा काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मैंने देख ली यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम कोई मनाली आ रहा हूँ या मुझे आना हो तो मैं काफ़ी जगह जा सकता हूँ, ये बढ़िया रहता है। पता है कैसे बढ़िया रहता है? खुद की बाइक, अकेले हो आप, दोस्त भी हो तो कोई फ़र्क नहीं, निकल जाओ बस एक्सप्लोर। इतना तो एक्सप्लोर नहीं करा मैंने, बट थोड़ा बहुत करा, बहुत मज़ा आया।
put the lime in the